बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तैयब असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब असलम। तो दोस्तों, टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे आऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं काफी देर से आप लोगों को ये जो बिनोमो हमारे पास ट्रेडिंग ऐप थी बहुत जबरदस्त, इसके रिलेटेड मैं काफी देर से आपको रोके हुआ था कि हम इसके जो अबाउट में क्लास टू जो मैं बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो जो आप लोगों के सामने माशाल्लाह से आ चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, जो तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अपने बिनोमो अकाउंट में जो है डिपॉजिट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिपॉजिट करके दिखाऊंगा, अमाउंट मिनिमम अमाउंट कितनी होगी उतनी डिपॉजिट करके बताऊंगा। उसको डिपॉजिट करने के बाद हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स के अबाउट जो है स्टडी करेंगे, उसके बारे में कंप्लीट सीखेंगे। हमने इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हमने सीखना भी है और यहाँ से अर्न भी करना है, और ये बहुत ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें सीखने के साथ साथ अर्न भी दे रही है। ठीक है, तो दोस्तों सब मैं आपके पास आपके साथ दो इंडिकेटर्स जो मैं डिस्कस करूंगा, एक SAR के नाम का इंडिकेटर है और दूसरा जो है बोलिंगर बैंड्स के नाम के हवाले से हम उसको जो है स्टडी करेंगे, और उसको यूज करते हुए हम एंड पे दो ट्रेड्स भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि जो आपके पास मेरी लेटेस्ट नेक्स्ट क्लासेस इसके अबाउट होगी आपके पास जो है पहुंच सके। इसके अबाउट में और भी रिलेटेड वीडियोस जो लाता रहता हूं अर्निंग के रिलेटेड, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट में अपनी राय भी दें, और वीडियो कैसी लगी आप लाजमी बताइएगा। और इसके अबाउट इसकी फर्स्ट क्लास आपने देखनी है तो मैं आपको वो भी शो कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे इसमें जो बिनोमो अकाउंट में हमने जो है डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, ये हमारे पास जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे पास जो है ये वाला पेज जो ओपन होगा। मोबाइल पे मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ज्यादातर यूजर जो मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए मैं ये मतलब जो तरीका ज्यादा बताने वाला हूँ। और वैसे PC पे भी आपके सामने मैंने खोला हुआ, देख सकते हैं सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो डिपॉजिट का ऑप्शन होता है इस पे हमने जो है क्लिक कर देना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं देखना, बहरहाल अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल हैं तो आप इस पे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है TRC20 जो है ये रेकमेंड करता हूँ, ये फास्ट और जल्दी जहां पे आपको डिपॉजिट मिल जाएगा। मैं TRC20 क्लिक करता हूँ। TRC20 पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास पैकेजेस आ जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, या मैनुअली भी कर सकते हैं आप। मिनिमम यहाँ पे आप जो है 2500 का जो है रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको आगे मिनिमम डिपॉजिट इज राइट 2500 जो आप यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो 3000 से जो है स्टार्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं 3000 से स्टार्ट लेना चाहता हूँ। यहाँ आप डिपॉजिट बॉन्स भी देख सकते हैं, अभी मेरे पास कोई नहीं है, और कूपन भी देख सकते हैं। इन चक्करों में ना पड़े तो ही ज्यादा बेहतर है, अगर आपके पास कूपन कोड है तो आप वो लगा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3000 मैंने लिख देना है, आप 2500 भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3000 पे जो है क्लिक कर दिया है, ठीक है। 3000 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट पेज इसका जो ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ देखें 14 मिनट का जो हमारे पास टाइम लैप्स चल चुका है। यहाँ पे वो हमारे पास कह रहे हैं कि आप जो है $16 जो है डिपॉजिट करेंगे, तो जितने यहाँ पे लिखे होंगे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उतने ही डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि एक TRC20 $1 जो है हमारे पास फीस कट होती है, ठीक है, तो $1 की फीस कट होगी, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि जितनी वैल्यू लिखी हुई उतनी करिए, मतलब यहाँ 15 लिखा है तो वहां से 16 लिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ये एड्रेस जो है ये कॉपी कर लूंगा, हमने इस एड्रेस पे जो है अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेंड करनी है, या वेटिंग टू पेमेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अब मैं चला जाऊंगा अपने Binance अकाउंट में, यहाँ पे वो जो एड्रेस हमें दिया था वो मैं यहाँ सिंपल पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने TRC20 को जो है सेलेक्ट करना है, TRC20 सेलेक्ट कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे वो हमने वैल्यू लिखनी है हमारे पास ये है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे मैंने आपको कहा $1 हमने ज्यादा रखना है, क्योंकि एक नेटवर्क फी कट होगी। मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ, ठीक है, 15 USDT होंगे, अगर मैं यहाँ पे 15 लिखूंगा तो 14 होंगे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 16 कर देना है, ज्यादा हो तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितने हैं 15.5, ठीक है, तो 15 है हमारे पास, 15.5 है, ठीक है, यहाँ 15.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद बेसिकली 15.5 मैंने कर दिया यहाँ पे,
तो यहाँ मैं विड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ आपको पता है एक मेल पे मुझे मैसेज आएगा और दूसरा जो नंबर पे आएगा, ठीक है। यहाँ मैं सबमिट पे जो है क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरा विड्रॉल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों जो ना आप लोगों ने चीज का बहुत ख्याल रखना है। मैंने एक गलती कर दी थी यहाँ पे। मैंने 58 यहाँ पे 58 था, लेकिन मैंने जो थोड़ी सी कम वैल्यू 15.5 ऐड कर दी थी, तो मुझे $1 और मजीद ऐड करना पड़ा है ट्रॉन लिंक से, ठीक है। तो आपने मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा जितनी वैल्यू आप यहाँ पे लिखे उससे $1 या $2 ज्यादा ही रखें ताकि आपको यहाँ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, कंप्लीट इसको देखिएगा। जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाना है वो आपके जरूर काम आएगा, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है वीडियो। तो वीडियो जो है जो हमारा चैप्टर है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, जो सबसे पहला हम इंडिकेटर यहाँ पे सीखने वाले हैं उसका नाम पैराबोलिक SAR है, ठीक है। इसको हम पैराबोलिक सॉर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके हम स्टार्टिंग से ये चीज पहले क्लियर कर लें कि ये जो आपको ग्रीन जो ऊपर नीचे जाने वाली लाइंस नजर आ रही हैं, ये रेड ग्रीन, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये कैंडल्स होती हैं। कैंडल्स के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको इस चार्ट के हवाले से जो है डिस्कस किया है। मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी अपनी क्लास नंबर 1 का दे दूंगा, तो आपने वो लास्ट में वीडियो देख लेनी है, ठीक है। तो मजीद आगे इस पढ़ते हैं। तो ये देखें हमारे पास पैराबोलिक ऐसे आ रहा है। यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमारे पास ब्लू कलर्स के डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास ये शो करता है, ये जो नीचे से जब हमारे पास शुरू होंगे ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये शो करता है कि ये जो आने वाला ट्रेंड है वो अप जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देखें कितना अप जा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से हल्का सा यहाँ इधर को मूव करता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये मजीद जो है आगे अप जाके जो अप डाउन जाने वाला है जब ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, जब ऊपर से ये पैराबोलिक ऐसे आ जब नीचे को आएगा ना, नीचे को मूव करेगा, तो जाहिर बात है ये इस पे हमें ये समझ जाना चाहिए अब आने वाला जो ट्रेंड है वो डाउन जाने वाला है, ठीक है। तो ये अपने हमें बहुत अच्छा सा जो हमें आइडिया जो प्रोवाइड करता है, प्रिडिक्ट प्रोवाइड करता है कि इसको हमने अप लेके जाना है और ये अब डाउन जाने वाला है, ठीक है। तो जी हाँ, मैं आ चुका हूँ बिनोमो पे। बिनोमो पे जाने के बाद हम यहाँ पे आप कोई भी जो करेंसी यहाँ पे जिस पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आडा USD पे ही करके दिखाऊंगा। इस पे करने के बाद हम जो यहाँ पे मैं यही सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ 30 सेकेंड आप कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मजीद हम जो चार टाइम में देखेंगे, यहाँ हमने कैंडल सिलेक्ट करना है, इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके क्लास नंबर 1 देखें और इसे समझे। मजीद और भी आने वाली वीडियोस में इसके बारे में गाइड करता रहूंगा। इंडिकेटर में जाएंगे, यह हमारे पास पैराबोलिक सार आएगा। यहाँ पे हमने कोई भी कलर आपको जो बेहतर लगे आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे जो येलो है सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये देखें, ये नीचे से ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब ये था कि आने वाला जो ट्रेंड है वो क्या जाने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से हल्का सा नीचे आ रहा है, तो ये जो हमारा जो चार्ट है वो आने वाला ट्रेंड जो है वो डाउन को जाने वाला है, ठीक है। तो दूसरा इंडिकेटर पढ़ाने के बाद तो जल्दी से वो पढ़ लेते हैं, फिर हम दोनों पे एक एक करके जो है ट्रेंड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोलिनर बैंड्स की जानिब, ठीक है। ये भी बहुत यूजफुल और जबरदस्त इंडिकेटर है जो यूज होता है बिनोमो में, ठीक है। तो इस पे हम देख सकते हैं आने वाला ट्रेंड जो है वो क्या है, इसको हम मजीद डीपली समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो एक ये लाइन ऊपर को चल रही है रेड, और एक सेंटर में हमारे पास ब्लू चल रही है, और नीचे भी हमारे पास एक चल रही है। इसको हम अपर बैंड कहते हैं, इसको हम लोअर बैंड कहते हैं, और सेंटर वाले को हम 20 पीरियड MA कहते हैं, ठीक है। इसमें अब हमारे पास ये चीज आ जाती है कि जब हम इसमें देखते हैं ना कि ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है, ये ज्यादा मतलब अपने आप में जो नहीं कर रहा, मतलब कि अप एंड डाउन नहीं हो रहा, ये बहुत एक दूसरे के क्लोज आ चुका है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो इसमें ये निशानदेही ये करता है कि जो ट्रेंड है वो नहीं होने वाला, मतलब स्टेबल है, ठीक है। मार्केट जो अभी स्टेबल है,
अप डाउन नहीं आ रही उसमें, तो ऐसे वक्त में जो ट्रेंड लगाना जो हम होता है बेकार साबित होता है, तो उसमें हमें जो ट्रेंड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन नहीं हो रही होती, वो स्टेबल होती है, ठीक है, उस पर हम जो नहीं लगाए तो बेहतर समझा जाता है, ठीक है, बाकी अपनी मर्जी है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त यूजफुल होने वाला है। अब इसमें हमें बेनिफिट्स क्या है जो बॉलिनर बैंड में, अब ये चीज है, अब आप देख रहे होंगे अपर बैंड जो है यहाँ पे आगे आके जो लोअर बैंड है ये बहुत ज्यादा अपर बैंड ऊपर को जा रहा है और लोअर बैंड नीचे को जा रहा है, ये बहुत जबरदस्त हमारे पास एक मौका होता है जिसमें हम जान सकते हैं कि आने वाला जो ट्रेंड है वो मतलब काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अप एंड डाउन हो रहा है और वर्किंग है, और इस वक्त में हमें मुनाफा हो सकता है, ठीक है, तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसको मतलब परखना कैसे है, ये आप देख रहे होंगे कि जब लोअर बैंड आप लगा लें कि लोअर बैंड जब दो रेड को जब कट कर रही हो ना, दो रेड को अगर कट कर रही हो, तो आपने वहां पे जो है ये चीज को समझ जाना है कि जो अब आने वाला जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है, मतलब कि इसके ऑपोजिट होने वाला है, अप जाने वाला है, ठीक है, जब वो दो रेड्स को कट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे दो रेड्स को कट कर रहा है, ठीक है, अब वो जो है जो ट्रेंड जो है अप जा रहा है, ठीक है, और ये देखें अपर बैंड और लोअर बैंड में बहुत ज्यादा जो डिफरेंस आ चुका है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त, ये भी एक ब्रेकिंग है, मैं आपको ये भी जो अपने बिनोमो अकाउंट पे जाके दिखाता हूँ मजीद, और उसमें जाके देखते हैं, बिनोमो अकाउंट में आ चुका हूँ, बिनोमो अकाउंट में आने के बाद मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है ये वाला हम रीड करते हैं, और यहाँ देखें बोलिंजर बैंड्स जो हमारे पास है इसको क्लिक करते हैं, और हमने यार येलो ही लेना है, ठीक है, आप येलो जो लोअर लाइन है वो आप येलो ले सकते हो, अपर लाइन भी येलो ले सकते हो, मिड लाइन जो मैंने आपको ब्लू दिखाई थी उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये कितना जबरदस्त सा हमारे पास एक चार्ट बन गया आ चुका है, जिसे हम इजीली जो है रीड कर सकते हैं, इसको आप जो है ज्यादा जूम करके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली ये देखें यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ जो लाइन है ज्यादा खला में नहीं है, तो ये आप देखें ये मार्केट स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में जो मार्केट जो अप एंड डाउन होती है जो मिड में रहती है, तो ज्यादा हमें जो यहाँ से जो प्रॉफिट नहीं आता ना इतना, मतलब लॉस कह सकते हैं प्रॉफिट, मतलब ऐसे वक्त में स्टेबल मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये मतलब बेहतर समझा जाता है। और जब आप यहाँ पे आकर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए कितना मतलब के इनमें खुला आ रहा है, इनमें कितना फासला आ रहा है, अपर बैंड ऊपर को जा रहा है, लोअर बैंड जो नीचे को जा रहा है, तो ऐसे वक्त में ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल जो है साबित होता है। इस चीजों को हमने मजीद आगे जाके और भी रीड करना है, बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो अब मजीद इसके बारे में आगे और वीडियोज में डिस्कशन करेंगे, मेरी क्लास नंबर 3 भी इसके अबाउट में आएगी इंशाल्लाह। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो चीज रह गई, हम जो यहाँ पे दोनों को इंडिकेटर्स को यूज करके जो एक जो जो कहते हैं हम ट्रेड करने जा रहे हैं, हम वो चेक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखें यहाँ पे मैंने बोलिंग बैंड ओपन किया हुआ है, तो यहाँ मैं एक जो आपको वेट करके दिखाऊंगा डेमो काउंटर करने वाला हूँ, तो यहाँ देखिए ये रेड को कटिंग की है इसने, और ये जो जो आने वाला प्रॉफिट में जाने वाला है मेरे हिसाब से, तो अब 15 सेकंड का मैं एक जो सेट करूंगा यहाँ 15 सेकंड सेट कर लूंगा, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा यहाँ अप जाने वाला है डाउन जाने वाला है, तो उस मुताबिक जो मैं यहाँ पे ट्रेंड करूंगा, तो मुझे लगता है ये जो है डाउन को जाने वाला है, मैं यहाँ पे डाउन जो सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, मैंने जो डाउन का लगाया था, तो हमारे पास जो ये डाउन का जो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये था हमारा एक तो बोलिंजर बैंड्स का एक तरीका का लगाने का, ठीक है। अब मैं जो आपको एक पैराबोलिक स्टार पे लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इंडिकेटर जो है चेंज करूंगा, यहाँ इसे डिलीट करूंगा, यहाँ पैराबोलिक स्टार पे लगाऊंगा, येलो कर लूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये देखें आपको नीचे को जा रहा है, ठीक है, यहाँ मैं डाउन लगा दूंगा, ठीक है, तो 15 सेकंड का लगा रहा हूँ ताकि जो हमें आने वाला टाइम पता चल जाए, 15 सेकंड के बाद जो मैं वीडियो को जो है मजीद बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो जो मुझे मैंने लास्ट लगाया था वो लॉस में चला गया है, ये देख सकते हैं आप, इसकी वजह ये है कि
ये जो इंडिकेटर्स हैं आपको जो सिर्फ एक जो है ना आने वाला ट्रेंड जो है बता सकते हैं, मतलब ठीक है ना। तो आप वो जो मैंने यहाँ पे लगाया था ना, तो वहां पे फौरन से चेंज हो गई ये जो ऊपर को चला गया था, ठीक है। मतलब मार्केट जो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको मजीद और स्टडी करेंगे आगे लेके जाके, तो ये एक चीज को समझाना ही था, ठीक है। तो बाकी ऐसी और क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन और इस वीडियो के मुताबिक जो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है। डिपॉजिट में कोई मसला है पूछ लीजिएगा। मेरा जो वीडियो जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, वो सब ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बकायदा ट्रेडिंग भी होगी इंशाल्लाह, और मजीद प्रॉफिट बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो क्लास 3 का वेट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।